नमस्कार मित्रों, मैं हूं सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सोलंकी कंप्यूटर। तो मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को भी दबाएं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज मैं आपको ऐसी एंड्रॉयड की 5 एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा कि जिससे आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड एक क्लिक में से हटा सकते हो। तो वो 500 एंड्रॉयड एप्लीकेशन कौन सी हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा, यानी एक एक करके आपको 500 एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में पूरा इंटरफेस बताऊंगा, उसका वो कैसे वर्क करती है, उससे कैसे अपना फ़ोटो का बैकग्राउंड हटेगा। तो तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैं हमेशा की तरह आपको बात बोलना चाह रहा हूं कि मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में घंटी के बटन को दबा देना, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए, मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आपको लेके जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम जानकारी इस बैकग्राउंड रिमूवर के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम स्क्रीन पर आ गए हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद में हम आपको 5 एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐसी बताएंगे जिससे आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड एक क्लिक से हटा सकते हो। तो यानी वो 500 एप्लीकेशन कौन सी हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में सर्च बार में आपको टाइप करना है remove.bg, ठीक है, remove.bg। तो इसके नाम से फर्स्ट वाली एप्लीकेशन ये जो आपके सामने आपको इंस्टॉल करनी है remove.bg, उसके बाद में रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। तो यानी इसके अलावा बहुत सारी आपके सामने शो होगी, बल्कि आपको यानी ये जो आइकॉन जो बना हुआ है ना, इसको आपको पहले अपने मोबाइल में इंस्टॉलेशन करना है। remove.bg, रिमूव बैकग्राउंड 100% ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इससे आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हो, ठीक है। यानी ये पहली एंड्रॉयड एप्लीकेशन ये है। इसके अलावा मैं दूसरी आपको और भी बताऊंगा, पहले इसका मैं इंटरफेस बता देता हूँ, इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद में मैं दूसरी ऐप का भी बताऊँगा, उसके बाद में तीसरी ऐप का भी बताऊँगा, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप 500 ऐप का मैं पूरा आपको इंटरफेस बताऊंगा और पूरा मैं लाइव प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ओपन पर क्लिक करना, पहले आपको इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करने के बाद में आपको ओपन करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद में remove.bg, इसमें थोड़ी एड्स आएगी, उसको आप स्किप कर देना, ठीक है, या एड्स को थोड़ी प्ले हो देना, ठीक है। अब देखिए, अपलोड एन इमेज टू रिमूव द बैकग्राउंड, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एरो की का है ना ऑप्शन अपलोड इमेज, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में परमिशन पूछा जाएगा, एलो remove.bg टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो, ठीक है। अलो पर क्लिक करें, दूसरा एलो remove.bg टू एक्सेस फोटो मीडिया एंड फाइल योर, अपने यानी फाइल मैनेजर की अगर परमिशन देना चाहते हो तो एलो करें। एलो करने के बाद में आपके सामने यानी ये एक्शंस पूछेगा, सूज इमेज फ्रॉम गैलरी से लेना है या कैमरे से लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे फ़ोटो खींच के लेना है तो फ़ोटो खींच के भी कर सकते हो, चलो मैं गैलरी से ले लूँ। अब देखिए, मैंने एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर दिया, इसको अपलोड कर दूंगा, अपलोडिंग इमेज हो रहा है, ठीक है, प्रिपेयरिंग। अब यहाँ पर देखिए, इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकल हट गया, देखिए हट गया। अब इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड अपने मोबाइल में कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा, यानी इसको डाउनलोड कहाँ करना है, तो यानी गैलरी पर क्लिक करना है। तो गैलरी पे ये फ़ोटो देखिए रिमूव हो गया बैकग्राउंड, ठीक है। अब आप कोई भी, जैसे कि थंबनेल बनाते हो, चैनल आर्ट बनाते हो, या कहीं पे भी आपको यूज़ करना है, तो ये रिमूव किया हुआ बैकग्राउंड है ना, ये वहाँ पर अच्छा यानी वहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैं दूसरी ऐप का भी इंटरफेस आपको बता देता, यानी इसका तो ऐसा है, इसके अलावा मैं आपको बता देता। और 500 में एंड्रॉयड ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब दूसरी ऐप, ठीक है। तो दूसरी ऐप का भी मैं आपको बता देता, ये बैकग्राउंड इरेजर के नाम से हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड इरेजर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर दे, डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉलेशन करें, इंस्टॉलेशन करने के बाद में इसको ओपन करें,
ओपन करने से पहले मैं आपको विशेष बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस ऐप के डेवलपर को रेट देना चाहते हो तो 5 स्टार में दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप अपना मनपसंद जो भी सुझाव है वो लिख सकते, गुड, ठीक है। मैंने पोस्ट कर दिया इसको, ठीक है, उसके बाद मैं डन कर दिया, यहाँ पर मेरा रिव्यू आ गया, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद में मैं आपको बताऊँगा हाउ टू यूज और फेक और लोड इमेज। आपको क्या करना, लोड इमेज पर क्लिक करना है, ठीक है। लोड इमेज पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, आपको गैलरी स्विच करना है, गैलरी में से कोई भी फ़ोटो को लेना है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैंने ये फ़ोटो ले लिया, अब यहाँ पर इसको डन पर क्लिक करूँगा। डन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आएगा, देखिए ऑटो का ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पर ये जो नीचे का, ठीक है, आपको ऑटो पर क्लिक करना है। ऑटो पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इसको छोड़ना है केवल खींच के, ठीक है। अब यहाँ ये जो ग्लासेज है उसमें थोड़ा सा पीला पीला है, तो यहाँ पर इसको मैं क्लिक कर देता, ये हट गया। अब इसको डन कर देंगे, डन करने के बाद में इसको सेव कर देंगे, ठीक है, ये सेव हो गया। अब यहाँ पर कहीं पे भी आप अपने सेव कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद में ये फिनिश हो गया, ठीक है, इसको फिनिश कर सकते हो। ये ऐड आएगी, ऐड को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैं तीसरी ऐप आपको बता देता हूँ। चलो ये दो ऐप हो गई, अब इसके अलावा मैं तीसरी आपको बता देता हूँ। तीसरी है इमेज बैकग्राउंड रिमूव ऑनली वन क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी डाउनलोड कर दे और इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद में इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाउ वाज टू एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको रेट देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। माई बी लेटर मैंने कर दिया। अब अपलोड इमेज पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अपलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद में गैलरी को स्विच करूँगा मैं। गैलरी को स्विच करने के बाद में मैं इस फोटो को ही ले लूँगा, इसके बाद में अपलोड कर दूँगा। ये अपलोडिंग होगा, ठीक है। ये भी रिमूव बीजी का ही है पाग, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये हो गया, अब इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट आ गया, सो डाउनलोड, तो यहाँ पर सो डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर अपने डाउनलोड सेक्शन में ये फोल्डर आ जाएगा। देखिए ये फ़ोटो आ गया, अब इसको बैक करते हैं। यहाँ पर एरो की जो निशान है इस पर क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद में इस पेज को क्लोज कर दें, ठीक है। उसके बाद में मैं चौथी ऐप आपको बता देता हूँ, ठीक है। चार नंबर वाली ऐप आपको बता देता हूँ, ऐप है, ठीक है, अनलिमिटेड बैकग्राउंड इरेजर। इस पर क्लिक करना है, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉलेशन करना, उसके बाद में ओपन करना है। ओपन करने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए अल्टीमेट बैकग्राउंड इरेजर, यहाँ पर इसमें कैमरे से भी आप अपना फ़ोटो खींच सकते हो, गैलरी को स्विच करके भी कर सकते हो। तो चलो मैंने गैलरी पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैंने कोई भी ये ही फ़ोटो ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड इरेजर का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर देखिए ऑटो लिखा हुआ है, मैनुअल लिखा हुआ है, रिस्टोर और एक्सट्रे, ठीक है। तो अब मैं ऑटो पर क्लिक करूँगा। ऑटो पर क्लिक करने के बाद में इसको मैं छोड़ दूँगा ऐसे, ठीक है। अब हो गया, अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर जैसे कि उदाहरण के तौर पे कोई ग्लासेस में, ठीक है, हटा दिया मैंने। अब इसको सेव कर देंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। अब ऐड बैकग्राउंड सेविंग PNG और सेविंग टू JPG, ठीक है। तो अब PNG में हम कर देते, इसमें देखिए हाई मैक्स रिजोल्यूशन में है या हाई रिजोल्यूशन में है या नॉर्मल में, तो मैं हाई में कर देता हूँ। ये सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड आ गई, ऐड को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अब देखिए मैंने चार आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में बता दिया। अब पांचवी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड रिमूवर की है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी आपको यहाँ पर मैं आपको जो बता देता हूँ उस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। ये रिमूव बीजी ऐप, ठीक है, ये 5 नंबर की हैं। रिमूव बीजी ऐप बैकग्राउंड रिमूव फ्रॉम फोटो ऑटो, ठीक है। यहाँ पर इसको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में और इंस्टॉलेशन करना है। और इसके डेवलपर को अगर आप रेट देना चाहते हो तो यहाँ पर 5 स्टार में दे सकते हो, यहाँ पर भी गुड लिख सकते हो और पोस्ट कर सकते हो, और पोस्ट करने के बाद में डन करें। तो यहाँ पर मेरा रिव्यू यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद में मैं इसको ओपन करूँगा,
तो ओपन करने के बाद में मेरे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, इसमें थोड़ी ऐड आएगी, तो आप इस ऐड को स्किप कर सकते हो या ऐड को आप पूरी देख सकते हो। अब मेरे सामने ये ऐड आ रही हैं, तो अब मैं ऐड को यहाँ से क्लोज करूँगा। ठीक है, ठीक है, अब ये ऐड कंप्लीट जब तक होगी तब तक ये क्लोज नहीं होगा। ठीक है, पहले इसको प्ले होने दो, मैं उसके बाद में आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका वॉइस बंद किया हुआ है। ये देखिए, अब मैं इसको क्रॉस पर क्लिक करके हटा दूंगा। अब देखिए, स्टार्ट पर ऑप्शन है और माई एल्बम और ट्यूटोरियल। ठीक है, तो अब आपको क्या करना, माई एल्बम पर क्लिक करना है। माई एल्बम पर क्लिक करने के बाद में एग्जांपल के लिए कोई भी आप अपना फ़ोटो ले सकते हो। ठीक है, तो उस फोटो को सेलेक्ट करने के बाद में वापस ऐड आएगी। ठीक है, तो उस ऐड को आप रिमूव करना है। ठीक है, वापस इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद में यहाँ पर बैक करते हैं। बैक करने के बाद में आपको आना है सीधा, मैं आपको बता देता हूँ। इसको क्लोज़ करना है, आपको स्टार्ट पे जाना है। ठीक है, स्टार्ट पर जाने के बाद में आपको गैलरी में से कोई भी फ़ोटो को सेलेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये फ़ोटो ले लिया। अब आपको देखिए, ये ओरिजिनल साइज़ है। ठीक है, आपको 16:9 करना है, तो यहाँ पर कट जाएगा, इसलिए ओरिजिनल पर रखें। उसके बाद में इसको ओके करें। ओके करने के बाद में मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर ये ऐड आएगी। इस ऐड को स्किप, तो ये जब पूरी प्ले होगी उसके बाद में इसको स्किप करें, उसके बाद में क्लोज़ करें। क्लोज़ करने के बाद में देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है। अब इसको क्या करना है, आपको क्या करना, ऑटो पर क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन है ना ऑटो, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ऑटो, ऑटो पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, ये जो बॉक्स है ना रेड कलर का, इस पर, ये जो नीचे का पीला रेड कलर का है ना, इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, इसको पकड़ के यानी एक बार खींचकाना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये हट जाएगा। हटने के बाद में जैसे ग्लासेज में थोड़ा सा आ रहा है, तो इसको भी हटा सकते हैं। हटाने के बाद में ये एकदम क्लीन हो गया, देखिए यहाँ पर। उसके बाद में मैं इसको ओके करूँगा। ठीक है, ओके करने के बाद में मेरे पास में सेव का ऑप्शन आएगा, बैकग्राउंड इरेजर, यानी मेरे पास में ये गैलरी का ऑप्शन आ रहा है सेव, तो सेव कर देता हूँ। सेव इमेज एनी वन फॉर्मेट, ठीक है, एनी फॉर्मेट, PNG में या बैकग्राउंड में, तो अपने PNG में हम करेंगे। उसके बाद में ये ऐड आएगी। ठीक है, ऐड को स्किप कर सकते हो। उसके बाद में ये आपका बैकग्राउंड जो भी है वो सेव हो गया। ठीक है, उसके बाद में इसको क्लोज कर सकते हैं। तो यानी आपको मैंने ये 500 एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में बता दिया। इसके माध्यम से आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड आसानी से यानी हटा सकते हो। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटी के बटन को भी दबा देना, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।